कोविड 19 के लिए नामित जिले के नोडल अधिकारी ने शुक्रवार को बेलीपार थाना क्षेत्र के गेहूं क्रय केंद्रों क्वारंटीन सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निगरानी समिति के सदस्यों से मिलकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें, नोडल अधिकारी पीके उपाध्याय ने बेलीपार क्षेत्र के डबरपार बसमा और भीटी पहुंचकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण तथा किसानों द्वारा दिए जा रहे गेहूं और तौल आदि की संपूर्ण जानकारी ली। उसके बाद वो डबरपार क्वारंटीन सेंटर पहुंचकर क्वारंटीन लोगों का हालचाल जाना और उन्हें मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत घर में रहने का निर्देश दिया। गांव में हो रही निगरानी समिति की बैठक में भाग लेकर निगरानी समिति के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आगे की ओर चल दिए। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी बांसगांव पंकज दीक्षित, तहसीलदार बांसगांव वीरेंद्र गुप्ता, कौड़ीराम स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर संतोष वर्मा, बेलीपार थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह, बेलीपार थाने के कोरोना प्रभारी शेर बहादुर यादव, अजीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अच्छा, 38 लोगों का समय पूरा हो गया है, वो फ्री हो गया है। 32 लोग अभी तक क्वारंटाइन है। आप लोग प्रधान जी कौन? आप है प्रधान जी, क्या सुन रहे हो? भारत कहाँ से आए? दिल्ली, बम्बई। ज़्यादा बम्बई है? बॉम्बे। बॉम्बे दिल्ली कोई पास में नहीं निकला? नहीं। वैसे कितने लोगों का पूरा होने वाला अभी एक दिन में? अभी जल्दी आए हैं। नहीं, 14, 15, 16 पांच टीचर थे, दो सर वहीं रोक दिया गया था बॉर्डर पे, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था सर। फिर बाद में टेस्ट उनका पॉजिटिव आया सर। जी सर, लेकिन टीम जी सर, नेगेटिव नहीं सर, नेगेटिव हो गए सर, उसमें से अब आसिफ हो गए। जो सर एम्बुलेंस से आए थे तो वही सर रोक दिया गया है सर। यहाँ बाहर से आए जी सर। हाँ, तो इसी कारण यहाँ पे असर कम है जी सर। बॉम्बे वाले ही जी सर। एक सर किस बलवान में सर अभी पता चला सर? बलवान जगदीश बलवान सर, उनको प्रॉब्लम सर क्या? वो जहाँ तो उसका मैसेज आया है कि हम लोग पॉजिटिव हो गए, तो मैं जांच करवा लूँगा। कौन पॉजिटिव हो गए? उसके जो दोस्त सर थे, बॉम्बे एक साथ ग्रुप में रहते थे वो। अच्छा, तो चार दिन पहले सर वो आ गया है यहाँ पे बलवान में सर। इसका दोस्त पॉजिटिव हो गया, वहाँ पॉजिटिव बॉम्बे में हो गया। बॉम्बे पॉजिटिव जी सर। जी सर, भेज रहा हूँ सर उसको। अच्छा, तो निगरानी समितियाँ क्या क्या कर रही हैं बताइए प्रधान जी। बताते हैं जो समय दिया गया, उसी समय के अनुसार अपना काम किया करिए। ठीक है, और आपको 21 दिन रहना है, मिलना न जुलना दूरी बना कर आना है। तो उनका खाना पीना अलग से? अलग बर्तन वर्तन अलग है, अलग क्यों बताइए ना जी सर? अलग से थर्मोकोल प्लेटें हैं सर, या तो भाई उसको या तो जो खा रहा है वही या तो जला दे वही, या मिट्टी थोड़ा सा है तो लोग किट खोद के उसी में ढक दे। मिट्टी में जिस तरह होता है इसे जला दे, ज़्यादा अच्छा है। जला दे जाता है, मिट्टी खोद रहा है तो तीन चार दिन मान लीजिए होगा भी तो तीन चार दिन में ढक हो जाएगा। चाहे खोद के कर दे या चाहे जला दे, जो भी कर दे। ठीक है, मतलब वो सबके उसमें टच नहीं आना चाहिए। गाँव में पटेदार कौन है? कहाँ सप्लाई सेक्टर सर।
साधन सहकारी समिति के नाम से सर यहाँ पे है उचित मूल्य दुकान। गाँव के लोग हैं कुछ गाँव के प्रमोद जी बताओ प्रमोद बताइए क्या लगातार दरवाजे पकड़ लीजिए दरवाजे पकड़ लीजिए।